नमस्कार। गुस्सा बहुत है दोस्त, ये ऐसे नहीं निकलेगा, थोड़ा सा बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। मैथ का टीचर हूँ, थोड़ा कंटेंट की बात करेंगे, थोड़ा आंकड़े पर बात कर लें कि आज जो बातें चल रही हैं सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी चैनल से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सब लोग सब सिर्फ आपके फेवर में बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपके फेवर में। और रीजन जान लीजिए, जिनको नहीं पता वो लोग थोड़ा सा रीजन पर बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रीजन हमारा है क्या। ठीक है, आप सबको पता होगा कि भाई लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था ना, लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, हुआ कब से था? 11 अप्रैल से। सबको पता होगा 11 अप्रैल से शुरू हुआ, 19 मई तक इलेक्शन मतदान हुआ, खत्म। पता है 2019 की बात बता रहे हैं, 2019 की। ठीक है, 23 मई को रिजल्ट आ जाता है। कितना दिन लगा भाई? केवल 4 दिन। इलेक्शन फाइनल होने में, काउंटिंग में केवल 4 दिन का समय लगा। और इसी दिन जनाब, सर नहीं कहना चाहूंगा और ना ही श्रीमान लगाने का मन कर रहा है, जनाब मोदी जी कहां पर आए भाई? फिर से उसी गद्दी पर विराजमान हुए जहां उनको 5 साल पहले हम लोगों ने बिठाया था। 24 मई को उन्होंने फिर से शपथ ग्रहण लिया, 24 मई को। लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने कहा हम आपसे आंकड़े की बात करेंगे, ये तो बातें हुई चुनाव की, लेकिन इसके ठीक पहले, इसके ठीक 1 महीने पहले आपको पता होना चाहिए रेलवे की वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी की। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, जानते हैं कब? इसके ठीक 1 महीने पहले, लगा लो आप 1 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए गए थे। आप लोगों में से भी कई लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा 1 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक। और ये बात हो रही है कब की? 2019 की। क्या यहां से लेकर के यहां तक आने में, आज तक की डेट में आने में, क्या ये 4 दिन का समय बहुत ज्यादा रहा होगा? जितना कम समय में इसका रिजल्ट आ सकता था, क्या इसका नहीं पेपर करवाया? सिर्फ पेपर की बात करें, एग्जाम तक कंडक्ट नहीं करवाया जा सका आपसे? अरे आप कैसी सरकार संभाल रहे हो आप मेरे को बताओ? आप अपना रिजल्ट लाने में केवल 4 दिन का समय ले रहे हो, केवल 4 दिन का। और यहां जहां करोड़ों लड़कों ने फॉर्म भरा, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप? मतलब कैसा खिलवाड़? आपको पता है यहां पर वैकेंसी थी 90,000 प्लस, लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी थी। और इसमें फिल किया था पता है कितने लोगों ने फॉर्म? 2.8 करोड़ थे, 2.8 करोड़। ये 2.8 करोड़ कम नहीं होता साहब, 2.8 करोड़ रुपए, ये 2.8 करोड़ जो वैकेंसी थी, मतलब 2.8 करोड़ ये जो फॉर्म फिल हुए थे ना, ये केवल सरकारी आंकड़ा, ये वो आंकड़ा है जो दिखता है कि इतने बच्चे बेरोजगार थे। ये केवल वो बच्चे जो बेरोजगारी वाला दिख रहे थे, 2.8 करोड़। लेकिन यकीन मानिए, संख्या इससे भी कई गुना ज्यादा है बेरोजगारों की। भारत में 60% जनसंख्या युवाओं की है, उनमें से मिनिमम 60% में से 20% निकाल दो, लगभग 40% युवा बेरोजगार है। और रीजन सिर्फ एक, आप। अगर हम आपको गद्दी पर बिठा सकते हैं तो आपको गद्दी से उतार भी सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। 2022 बाकी है, 2024 फिर से बाकी है। अब आंकड़े लगा लो, मैंने कहा मैं मैथ का टीचर हूं, आपको थोड़ा आंकड़े पर चर्चा करते हैं। ये बातें पता चली आपको, ये 2.8 करोड़ ये जो वैकेंसी पर फॉर्म फिल हुआ, इस पर सुनिएगा, एक वैकेंसी के लिए इन्होंने 500 रुपए लिए थे। आपको पता है रेलवे की वैकेंसी जो आई थी, इस पर 500 रुपए लिए गए थे एक वैकेंसी के लिए, और ये बोला गया था कि 400 रुपए एग्जाम के बाद आपको वापस कर देंगे। अरे कैसा वापस? उधार ले रहे थे क्या? उधार तो था नहीं। और सुनो, 2.8 का गुणा जब 500 से करोगे ना, तो पता है कितना बनेगा? ये बनेगा 1400 करोड़। पता है ये 1400 करोड़ कम होता है क्या? और कब का है ये? एग्जाम के, ये इलेक्शन के कब पहले? ठीक पहले 12 अप्रैल तक फॉर्म फिल करवाया जाता है, 11 अप्रैल से इलेक्शन होता है, और तब तक इनके पास कितने रुपए पहुंचे? 1400 करोड़। ये कहां, इसका हिसाब कौन देगा? इसकी एक एग्जाम, चलिए हम मानते हैं कि आप हमसे बोलते हो कि आप 2 चरण में एग्जाम करवाओगे, 3 स्टेप में करवाओगे, लेकिन करवाओ तो सही। हम चलिए आपके पास ये भी मान लेते हैं कि वैकेंसी नहीं, आप कम वैकेंसी ला रहे हो, लेकिन कम वैकेंसी भी ला रहे हो तो वैकेंसी फिल तो करवाइए कम से कम। कैसी वैकेंसी फिल करा रहे हैं आप? जरा यहां देखिए आंकड़े, यहां देखिए, यहां आंकड़ों पर चर्चा कर लेते हैं कि इनकी वैकेंसी दिन ब दिन कैसे कम होती जा रही है। एसएससी सीजीएल तो फिलहाल 2018 की वैकेंसी का टाइम टेबल है, ठीक ना, आपको हम बता रहे थे। देखिए जरा वैकेंसी पर, केवल एसएससी की वैकेंसी पर बात करते हैं, इसके बाद बाकी चीजों पर। एसएससी की वैकेंसी सीजीएल में देख लीजिए आप, 2012 में कितनी थी? 16,119, लेकिन सीधे 2019 तक आते आते ये आधी हो जाती है, 8,582। अरे सीधे आधी वैकेंसी कर दे रहे हो, कितने साल में हुआ देखो जरा, केवल 7 सालों में बस इतना, आधी की आधी वैकेंसी कम कर दी। यही चीज देख लीजिए आप आईबीपीएस पीओ में, 2018 में 21,680 वैकेंसी आई थी केवल पीओ की, बैंक पीओ की,
लेकिन 2018-2020 में देख लो 1167 कितना घटा दोगे वैकेंसी। हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके पास वैकेंसी नहीं है, आपके पास पद ही नहीं है कि टीचर या बच्चों की वैकेंसी को फिल करवा पाए, आप हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करवा के फिल करवा पाए, मान लेते हैं वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर आप एक उम्मीद देते हो कि हमसे वैकेंसी करवाओगे, हमसे रोजगार फिल करवाओगे, तो कम से कम करवाइए। तो नई नई शिक्षा नीति ला, नई नई शिक्षा नीति ला रहे हो, उस पर बातें कर रहे हो कि हम हमारी नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, जो नए नए पद सृजित किए जाएंगे, जितने बच्चों का नया नया ये रोजगार मिलेगा, वो सभी एम्प्लॉयज अब अच्छे से काम करेंगे और देश विकास की राह पर दौड़ेगा। नई शिक्षा नीति के तहत किसके लिए नई शिक्षा नीति? हम स्टूडेंट के लिए ना। अब आप मेरी बात सुनिए जरा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यूपी स्टेट गवर्नमेंट या हर एक स्टेट गवर्नमेंट में एक छोटा सा एग्जाम होता है टीचिंग एलिबिलिटी टेस्ट का, टीईटी का होता है, सबको पता होगा। अगर आप यहां से जुड़े गुरुमंत्रा से और टीचिंग सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी पता होगा, है ना। टीईटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का होता है। अरे आप कैसे गधे और कैसे अनपढ़ गवारों को अपने आयोग में बिठा रखे हो, जिनको यह भी नहीं पता कि 150 में से दो दो क्वेश्चन के वो गलत आंसर, गलत गलत क्वेश्चन टाइप कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं हम टाइपिंग मिस्टेक होती है और आप उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिपीट करवाने के लिए नहीं देते कि देख लीजिए सवाल सही है कि गलत, इसलिए कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। चलिए मान लेते हैं कि वो दो क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक में हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम कंडक्ट करवाने पर के बाद फिर से जब आप पेपर चेक करते हो तो आप 10-10 क्वेश्चन की आंसर शीट गलत जारी करते हो। अरे 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन के गलत आंसर अगर आपका आयोग देता है तो इसका मतलब शिक्षा नीति की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें है, ठीक है, उन गधों को है जिनको आपने आयोग में बिठा रखा है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और यह चीज केवल यही नहीं होती, यह चीज सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हर जगह चलती है। आप एक एजेंसी फिल नहीं करा, आप एक एजेंसी नहीं गठन करवा सकते जो बच्चों का एग्जाम कम से कम सही तरीके से करवा सके। और हम लोगों की बातें करते हुए आप थोड़ा और भी आंकड़े की बात कर रहे थे ना, हम थोड़ा आंकड़े की बातों पर आते हैं। हमने आपसे कहा कि रेलवे की जो वैकेंसी आई थी उसमें 2.8 करोड़ फॉर्म फिल हुए, 500 के हिसाब से 1400 करोड़ उधर पर बना, है ना, उधर बना। इधर देखिएगा, मेरा गुस्सा ज्यादा है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा। 2018 की बात करते हैं, सीजीएल की नोटिफिकेशन जानते हैं कब आया था? 4 मई 2018 को। 4 मई 2018 का मतलब समझते हैं, आज का दिन मिला लो 850 दिन हो जाता है, आज के दिन से 851वां दिन है आज, और आज तक अभी इसका रिजल्ट नहीं आया। जानते हैं क्या मतलब, फाइनल नहीं किया गया वैकेंसी। 2017 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था एसएससी का, 2017-2020 चल रहा, उसमें कई सारे बच्चों को ज्वाइनिंग तक नहीं मिली है। ऐसे एग्जाम करवा रहे हो आप, केवल पकौड़ा बिचवाओगे और खिलौने बिकवाओगे, केवल इतना काम करने का है आपकी सरकार का काम, केवल बस इतना ही रह गया। मन की बात करने आते हैं, मन की बात करेंगे। रेलवे एग्जाम एनटीपीसी के लिए मैंने क्या बताया आपसे, 90,000 प्लस वैकेंसी थी, ये 2.8 करोड़, इस पर तो चर्चा हो चुकी। इसके भी कितने दिन हो गए भाई, दिख रहा होगा 550 दिन हो चुका इसका भी, लेकिन आज तक इसका पहला एग्जाम, बोला गया था दो एग्जाम में कंडक्ट करवा के खत्म करवा देंगे, इसका पहला एग्जाम तक नहीं करवा पाए हैं। अरे बच्चों को चाहिए क्या तुमसे, खाली कंधे इन पर कुछ भार चाहिए, बस खाली कंधे इन पर कुछ भार चाहिए? अरे रोजगार है साहब, ना ना, बेरोजगार है साहब, इन्हें रोजगार चाहिए, बेरोजगार है साहब, इन्हें रोजगार चाहिए। जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए घूमते हैं, जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए घूमते हैं, दिनों दिन अपनी ही नजरों में गिरते हैं। जेब में पैसा नहीं डिग्री लिए फिरते हैं, दिनों दिन अपनी ही नजरों में गिरते हैं। अरे मेरे भी घर में कामयाबी के खुले किवाड़ चाहिए, मेरे भी घर में कामयाबी के खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब रोजगार चाहिए। थोड़ी सी वैकेंसी के लिए आपने देखा ना टीईटी में कैसा क्या होता, सुपर टेट क्या होता है। आप मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, जितनी बातें मैं बोल रहा, स्ट्राइक किया है सबने, डिजिटल स्ट्राइक पूरा देश कर रहा, देश में 60% युवा है, 60% युवाओं तक आपको यह बात पहुंचानी है, और सिर्फ 60% युवाओं तक बात नहीं पहुंचानी, उनके माँ बाप तक, उनके भाई बहन तक, जो आपसे छोटे हैं, जिनको आगे चल करके वैकेंसी की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो 3-3, 4-4 साल में तैयारी करके आप कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया के तहत कई लाखों करोड़ रुपए लोन दिए। अरे कहां लोन दिया आपने और किसको मिल गया ये बताइए मुझे, एक कोई एक बेरोजगार की बात कर रहे, ऐसा बंदा नहीं जिसकी दुकान पहले से खुली हो, जिसकी दुकान पहले से खुली हो वो आपके पास लोन लेने गया हो, बेरोजगार की बात कर रहे, कोई एक बेरोजगार मुझे उठा बता दीजिए जिसको मुद्रा योजना के तहत आपने लोन दिया
या आपकी बैंक ने किसी ने लोन दिया हो। अगर एक बेरोजगार आप दिला देंगे ना, 2022-2024 आपकी फिर से रहेगी। बातें करते हैं, डिबेट करवाओ, नई शिक्षा नीति आप लेके आओ। डिबेट किससे करवा रहे हो आप? उससे करवा रहे हो जिसको सिलेबस नहीं पता किसी वैकेंसी का। दिन रात एक करके मेहनत बहुत करते हैं, यहां दिन रात एक करके मेहनत बहुत करते हैं, सूखी रोटी खा करके कैसे भी करके पेट भरते हैं, फिर भी ना जाने क्यों ठुकराया है जमाने ने। भरोसा नहीं कि हम टैलेंट आ जमाने में, नौकरी नहीं जानते हैं क्या? नौकरी पाने में यहां बस जुगाड़ चाहिए। यह भी एक मुद्दा कि नौकरी पाने में बस यहां एक जुगाड़ चाहिए। अरे बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है यहां के सड़कों पर, टैलेंट की कमी नहीं है भारत के सड़कों पर। भरोसा तो करो अपने देश की लड़की लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई थी, नौकरी मिलेगी कैसे जब नौकरी ही बिक गई थी। नौकरी की प्रक्रिया में बस सुधार चाहिए। सरकार तक मेरी बात पहुंचाए कि नौकरी की प्रक्रिया तक बस सुधार चाहिए। अरे बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है। जितनी मीडिया आपको दिख रही ना, सारा काम सारा खेल केवल मीडिया का है। आप इतनी सारी यूट्यूब चैनल्स देखते हो, यूट्यूब चैनल न्यूज चैनल्स देखते हो, कि आपको किसी न्यूज चैनल पर कभी किसी स्टूडेंट की बात आपको दिखाई पड़ी हो तो बताइए? किसी स्टूडेंट की बात दिखाई पड़ी हो तो बताइए आप? कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट की आवाज, कोई पूरा पूरा यूट्यूब चैनल छान मालिए, पूरा यूट्यूब चैनल में चैनल बात कर रहा न्यूज चैनल की, कोई न्यूज चैनल आपको नहीं मिलेगा कि किसी बेरोजगार की बात या किसी स्टूडेंट की आवाज को उठाया जाए, उठाया हो उसने। आपको सिर्फ ये आपका हक है तो आपका हक आपको आप ही दिला सकते हो। यहां जितना कंटेंट मैंने बताया ना, कुछ ना करिए आप, बस कुछ ना करिए। आपको सिर्फ ट्विटर पर जाना है, आपको सिर्फ ट्विटर पर जाना है, सब कुछ आपको सिर्फ ट्विटर पर जाना है, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास नहीं है आपका अकाउंट, नहीं तो 2 मिनट मिलेगा, 2 मिनट लगेगा, जाइए डाउनलोड करिए, साइन अप कीजिए, 2 मिनट में लॉगिन कर लीजिए, बना लीजिए, और केवल एक टैग चलाइए। टैग आपको वहां पर दिखेगा, अभी तक ट्रेंडिंग में 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर हिंदी में है। और है क्या है ये कि आ रही है बेरोजगारों की सवारी। ये उनके कानों तक पहुंचानी है, बेरोजगारों की सवारी आ रही है, बेरोजगारों की सवारी। इसको भी नंबर वन पर पहुंचाइए, यहां पर स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं। आ रही है बेरोजगारों की सवारी, नंबर 5 पर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा। साथ ही साथ जिसके लिए आवाज उठ रही, उस एग्जाम को कम से कम फाइनल करवाएं। और जिसके लिए आवाज चल रही, हैशटैग करिएगा, हैशटैग करके लिख दीजिएगा SSC declared CGL exams। बस इतना ट्वीट कर दीजिए और कुछ नहीं। बाकी आपको यूट्यूब पर, आपके घर पर, जहां कहीं न्यूज चैनल दिखता मिले, मोबाइल फोड़ दो, टीवी फोड़ दो, लेकिन मत देखो उसे। किसी का न्यूज नहीं देखना। और जितना भी न्यूज चैनल सबने सब्सक्राइब कर रखा होगा यूट्यूब पर, सबको अनसब्सक्राइब करिए, सबको अनफॉलो कर दीजिए, डिसलाइक करिए सबको, ठीक है? कुछ नहीं करना, अपने मां से, अपने पापा से, भाई से, बहन से, अड़ोसी पड़ोसी से, सबसे सिर्फ एक काम करवा लीजिए, सिर्फ एक काम करवा दीजिए कि जितनी वीडियो तुम्हें दिखे मन की बात की, ये जो अपने मन की बात करते हैं, मन की बात नहीं, मन की बकवास करने आते हैं ये, तो मन की बकवास जितनी भी हो उनको सबको डिसलाइक करिए। और अभी आपको दिखा होगा 7 गुना डिसलाइक कर दिया है, और वो 7 गुना करने वाले कौन है? आप जैसे स्टूडेंट हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनकी बात सरकार तक पहुंचे। सरकार के पहुंचाने के लिए आप आंदोलन नहीं कर सकते, कोरोना की पॉसिबिलिटी, कोरोना की वजह से आप इकट्ठा नहीं हो सकते, गैदरिंग नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप इतना काम कर सकते हो कि वहां तक बात पहुंच जाए। एक काम और कर सकते हैं आप, एक काम और ये कर सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस जाइए, पोस्ट लीजिए, और पोस्ट कर दीजिए कहां पर? पीएमओ पर या मुख्यमंत्री जी के आवास पर। आपको एड्रेस मिल जाएगा, गूगल से कर लीजिए गूगल। आपको केवल यहां पर अपना एक पोस्ट डालना है, पोस्ट ऑफिस से एक डाक पोस्ट कर दीजिए, लिख दीजिएगा गेट वेल सून। क्या लिख दीजिएगा? गेट वेल सून। अंदर केवल यही 3 वर्ड होने चाहिए, केवल 3 वर्ड लिखिए। पहले तो गेट वेल सून, पहले गेट वेल सून केवल इसलिए कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो ठीक हो जाइए, और उसके बाद बस 1 रुपए का सिक्का लगा दीजिएगा उसके साथ कि इस 1 रुपए में पानी लो और डूब मरो। पहले तो लिख दीजिएगा गेट वेल सून कि ठीक हो जाइए, उसके बाद 1 रुपए का सिक्का लगा के लिख दीजिएगा कि इसी में पानी खरीद लो, चुल्लू भर और उसमें डूब मरिए। खत्म करो।